गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाजीपुर में जो गंगादास बाबा का जो आश्रम है, आज हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे पूरा आश्रम को और डिटेल में जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। ये है बैपुर का मेन गेट और ये वाला जो रास्ता है वो जाता है करंडा के लिए, और ये वाला जो रास्ता है वो जाएगा पीजी कॉलेज चौराहे के लिए। ये है मेन गेट बैपुर देवकली का, ठीक है। तो पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। तो आप पीजी कॉलेज या फिर लंका से आपको ऑटो मिल जाएगा, आपको जीप मिल जाएगी और आपको धर्मपुर वाली बस मिल जाएगी, ठीक है। और वो आपको यहीं पर छोड़ देगी, बाकी आपको आगे पैदल या फिर जो भी आपको आपका साधन होगा उससे जाना होगा। पीजी कॉलेज से इस गेट की दूरी है 5 किलोमीटर और इस गेट से गंगादास बाबा का आश्रम की दूरी है लगभग 2.5 किलोमीटर। तो ओवरऑल मिला है तो पीजी कॉलेज से लेके गंगादास बाबा का जो आश्रम है वहाँ तक का जो दूरी है वो 7.5 किलोमीटर हो जाता है। गंगादास बाबा का ये जो आश्रम है ये भी वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है गाजीपुर के। अभी मैं हूँ बैपुर गांव में, जो कि है बैपुर देवगली इलाके में। अभी मैं इस गांव के पूरे सेंटर में हूँ, ये है पूरा बैपुर गांव। पीछे वहाँ पे है आश्रम, अभी हम वहाँ पे आश्रम पे चलेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आश्रम पे बिना देर के। गाजीपुर सीरीज चल रही है अभी, तो गाजीपुर सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ये होने वाली है। गाजीपुर सीरीज की लिंक हर एक वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको गाजीपुर सीरीज की लिंक मिलेगी। अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर करिए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं गंगादास बाबा के आश्रम पे और ये है इसका मेन एड्रेस और ये है श्राइन। इधर से एक्चुअली एंटर करना होता है। काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये पार्किंग जो अंदर हुआ करती थी पहले, अब बाहर की तरफ कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, सारे लोग यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ा करेंगे फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, ठीक है। अभी अंदर चलते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं अंदर की तरफ हूँ और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने जूते चप्पल निकाल के यहाँ पे और यहाँ से आपको हाथ पैर धुलना है फिर उसके बाद ही एंटर करना होगा, ठीक है। ये रूल है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये शायद मेन एंट्रेंस है और यहाँ की टाइमिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में 12 बजे से 3 बजे तक ये बंद रहता है और ठंडी के मौसम में 1 बजे से 2:30 बजे तक शायद, या तो। अभी मैंने पैर वैर धुल लिया है, ठीक है। और बाहर का कैंपस हम लोग अंदर का सारा डिटेल जानने के बाद बाहर से आके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी अंदर की तरफ चलते हैं और पूरा कैंपस देखेंगे, पूरा डिटेल जानेंगे कि कैसे उन्होंने समाधि ली, क्या क्या था उनका बचपन, कैसे दिखा सारी चीज़ें, और साथ ही साथ पूरा जो कैंपस है उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी और उसके बाद बाहर आके देखेंगे पूरा। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग पड़ेगी। तो ये जो है यहाँ पे गंगादास बाबा अपना वो तपस्या किया करते थे नीचे वाले पोर्शन पे और ऊपर वाले में वो रहा करते थे, ठीक है। और ऊपर इन कुछ रखे हुए भी हैं उनके, जो वो यूज़ किया करते थे वो सारे बर्तन और फोटोज़ वगैरह जो भी उनके सामान है वो सारे रखे हुए हैं। अगर मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है इधर की तरफ एक कुआं जहाँ पे आप कोई भी अगर आएगा तो वहाँ पे सबसे पहले उनको बतासा और पानी दिया जाता है, तो वहाँ से आप ज़रूर पी के जाना, ठीक है, दैट्स द रूल। तो अभी मैं ऊपर की पोर्शन पे जा रहा हूँ जहाँ पे गंगादास बाबा रहते थे और उनके सारे जो कपड़े वगैरह जो भी रिमेन्स हैं वो हैं यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है। यहाँ पे है कुछ उनके रिमेन्स, ठीक। काफ़ी लकी हूँ यार, आज संडे है और आज ये बंद नहीं होता, एक भी घंटे के लिए बंद नहीं होता है आज, काफ़ी लकी हूँ मैं, ठीक है। इधर कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पे मैंने कुएं पे अभी पानी पी लिया है, तो आपको ज़रूर वहाँ पे पानी पीना चाहिए, स्पिरिचुअल है, आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अभी इधर एंटी क्लॉक वाइज मैं जा रहा हूँ अभी और इधर से पूरा इधर देखते हुए उधर मेन गेट की तरफ निकलेंगे हम। अभी मंदिर के कैंपस में हूँ मैं और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मुझे ये मंदिर, पुराना तो है ही, साथ ही साथ इतने बेहतरीन पत्थर लगा के यहाँ पे और इतना खूबसूरत बनाया गया है इस मंदिर को, ये देखने पे लगता है कि हाँ खजुराहो आ गए हैं हम लोग। पीछे वहाँ गांगी नदी बह रही है, मैं वहाँ पे दिखाया था आपको, जो एक गंगा की पार्ट है, ट्रिब्यूटरी है, आगे जाके फिर से गंगा में ही मिल जाती है, ठीक है। अभी आगे की तरफ 2-3 मंदिर और हैं, उसको देखेंगे फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से, ठीक है। गंगादास बाबा पे आने पे काफ़ी शांति का
माहौल रहता है और शांति की अनुभूति होती है। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है, जैसे आज संडे है तो काफ़ी लोग फ्री हैं तो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि सिटी में बहुत कम ही डेस्टिनेशन बचे हुए हैं तो वहीं पे लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, मेरे पीछे के साइड में है ये गंगादास बाबा ने बनवाया था, उनके गुरु जो थे परमहंस श्री राम मंगलदास जी का ये है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मेल को जाने के लिए कुछ रूल्स हैं और फीमेल्स को भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो आपको जींस पहन के अलाउ नहीं है, पैंट पहन के अलाउ नहीं है। ठीक है, आपको लुंग क्या कहते हैं इसको, धोती पहन के जाना पड़ेगा और जो औरत हैं उनको साड़ी पहन के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल को फॉलो करना। ये आगे की तरफ आगे हैं और चलते चलते मैं आपको बताता हूँ गंगादास बाबा के बारे में। ठीक है, तो 12 साल की उम्र में जो गंगादास बाबा अपना घर छोड़ दिए थे और वो निकल गए थे अपने घर से किसी लक्ष्य की तरफ, जो है कि उनका लक्ष्य था कि सारा धर्म का प्रचार करना है। ठीक है, और मानव को मानव बनाना, ठीक, यही था उनका एम। जब गंगादास बाबा घर से निकल गए थे और उधर कानपुर अयोध्या साइड में वो गए और उधर कुछ दिन तपस्या किए, ठीक है, फिर अपने गुरु से मिले वो, तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो। गंगादास बाबा ने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो गंगादास बाबा को भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने उनसे बोला कि तुम मानव को मानव बनाने का काम करो। ठीक है, यानी कि मानव धर्म प्रचार। ठीक है, तो ये है थीम यहाँ का और गंगादास बाबा का भी यही एम था कि मानव धर्म को प्रसार करना है। ठीक है, मानव को मानव बनाना है, राइट। तो पीछे के साइड ये जो बिल्डिंग है ये है गंगादास बाबा का समाधि स्थल और यहीं पे गंगादास बाबा ने अपनी समाधि ले ली थी। तो समाधि का मतलब यार होता है कि मतलब ध्यान की मुद्रा में अपनी जो जो जान है उसको, आत्मा है उसको त्याग देना, उसी को कहते हैं समाधि लेना। ठीक है, तो वो यहाँ पे गंगादास बाबा ने किया था, अभी ऊपर चल के देखेंगे उसको पूरा। ठीक है, और डेट मैं बता दूँ तो डेट है 1 मई 2002 को, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उनको समाधि लिए हुए। ठीक है, तो बहुत रीसेंट है ये। ये कैंपस पूरा काफ़ी खूबसूरत है और हरियाली से भरा हुआ है, ग्रीनरी और पीस दोनों है यहाँ पे, शांति और हरियाली दोनों है यहाँ पे। पीछे यहाँ पे कुछ संतरा है कि नींबू है पता नहीं, जो भी है बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी पूरा कैंपस को मैं सिनेमैटिक लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि आप लोग यार सिनेमैटिक देख के भाग जाते हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो, लास्ट में सिनेमैटिक दिखाऊंगा इस बार। ऊपर की तरफ और ऊपर वाला खुला है, अभी नीचे वाला तो बंद है, शायद पूजा करके बंद कर दिया जाता होगा। वार्निंग, लेकिन देखते हैं यार। बालकनी में हूँ, ठीक है, और काफ़ी खूबसूरत है ये बालकनी, दिखाता हूँ ये यहाँ से पूरा। ये है घर इन लोग रहने के लिए। ठीक है, और ये पूरी खेती की गई है, आलू है ये शायद। ठीक है, इधर कुछ रोज़ लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत एनवायरनमेंट है, मन करता है कि यहीं पर रह जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ के बारे में कि अप्रैल में एक रामनवमी पड़ती है। ठीक है, तो उसके अगले दिन से यहाँ पे यज्ञ शुरू होता है, जो होता है 10 दिन का। ठीक है, और आखिरी दिन जो है उसमें भंडारा होता है, तो काफ़ी लोग उसमें आते हैं और यज्ञ में आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर आइएगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है उसमें। ठीक है, मज़ा क्या मतलब, जो आरती होती है ना उसकी, जो सुबह में मॉर्निंग आरती होती है 6:30 और 7 के आसपास, तो काफ़ी खूबसूरत होती है, इतना मज़ा आता है, इतना शांति का आपको अनुभूति होगी वहाँ पे आके। ठीक है, आपको ज़रूर आना चाहिए वहाँ पे। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ आरती में। ठीक है, वो जो आरती होती है ना वो सबसे डिफरेंट आरती, आज तक मैंने वैसी आरती सुनी नहीं थी। ठीक है, और उसको सुनने का मतलब मन करता है कि मतलब घंटों बजते रहे और मैं सुनता ही रहूँ। ये कुछ रियल स्टोरीज़ के बारे में, यहाँ के जो फेमस स्टोरीज़ हैं यहाँ के बारे में प्रचलित हैं, जो फेमस हैं, जो वायरल हैं। ठीक है, तो पहली कहानी है कि मतलब कहा जाता है, कहानी नहीं है रियलिटी है, कि गंगादास बाबा जो हैं वो गंगा जी को पार कर गए थे। ठीक है, पानी से मतलब पानी के ऊपर से चल के पार कर गए थे। ठीक है, और एक और मतलब है कि एक टाइम क्या हो रहा था कि यज्ञ हो रहा था या फिर जो भी हो रहा था और उसमें भंडारा हो रहा था। ठीक है, तो उसमें जो तेल कम पड़ गया, ठीक है, घी कम पड़ गया, तो पानी को लोग लेके आए, गंगा जी के पानी को। ठीक है, उसमें पूड़ी को छान दिया गया। ठीक है, पानी में पूड़ी को छान दिया गया, ये चमत्कार, समझ रहे हैं। पीछे ये कोई मंदिर है। ठीक है, और यार गंगादास बाबा के बारे में बता दूँ, इतने हम्बल थे वो, इतने मतलब दयालु थे, और मतलब क्या ही कहना भाई गंगादास बाबा के बारे में। तो मतलब यहाँ ना एक फक्कड़ बाबा रहा करते थे। ठीक है, तो उनको पान खाने की आदत थी। ठीक, तो वो मतलब कभी भी पान वगैरह कभी भी मांग जाते थे, वो रात को 1 बजे 12 बजे 3 बजे भोर में कभी भी मांग देते थे। ठीक है,
तो बाकी लोग तो भाई पैरों से लगा के रखे करते थे, ठीक है, कि या मांगेंगे तो दे देंगे, ठीक है। लेकिन गंगादास बाबा खुद 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, वो खुद आके मतलब पान लगा के उस टाइम उठ के देते थे, ठीक है। तो इतने हम्बल थे कि क्या कहना। गाजीपुर में 3-4 बेहतरीन जगह हैं घूमने लायक, उनमें से गंगादास बाबा एक है। 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर को काफ़ी यहाँ पे भीड़ होती है, लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स और अपने जो भी जाने वाले हैं उनके साथ आते हैं। यहाँ पे वॉशरूम भी बन गया है, ठीक है, पहले नहीं था, अभी फ़िलहाल में ही बना है, ठीक है, यूज़ करिएगा इसको आइएगा तो। गंगादास बाबा इतना शांति वाला जगह है ना भाई, पीसफुल इतना एनवायरमेंट है ना, कि अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो ना किसी तरह का, प्लीज़ एक बार यहाँ पे एक बार ज़रूर आना। जितने देर भी बैठना है बैठ के इन कोट्स को एक बार पढ़ना और शांति से एक बार सोचना, तो आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा, आई गारंटीड। इधर गौशाला है और यहाँ पे है वॉशरूम, ठीक है। ओके, फिनिश अप विद दी प्रसाद, प्रसाद ग्रहण कर लिया है और डेली यहाँ पे भंडारा होता है और 1 बजे एक बेल लगती है और उसी बेल लगने से शुरुआत हो जाती है भंडारे की, ठीक है, डेली चलता है, आज तक शायद रुका नहीं है, डेली होता है, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यही है पूरा बाहर का कुछ नज़ारा। गंगादास बाबा का आश्रम, ठीक है, और गंगादास बाबा का जो एम था, जो मोटिव था, वो था मानव धर्म प्रसार। तो उम्मीद करते हैं कि आप कुछ भी बनने से पहले आप इंसान बनेंगे, आप मानव बनेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी होप के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए प्लेस के साथ गाजीपुर के। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सप्लोर वॉक चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। थैंक यू सो मच।